हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब भाई और पापा? अच्छे हो? तो मैं ना यहाँ पे आदि पुरुष मूवी का जो है रिव्यू भी देने वाली हूँ, तो आप लोग में बने रहना। और तो मैं यहाँ पे ना फटाफट से जो है रेडी होके जो है जा रही हूँ, और कहाँ पे जा रही हूँ वो आपको आगे आगे जो है पता चल जाएगा। क्योंकि अभी जो बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, तो बहुत सारे जो सामान है वो घर के ख़त्म हो रहे हैं जो कि बच्चों के स्कूल में चाहिए होते हैं। तो बच्चों की कटिंग करानी है और जो सामान है वो सब करना रखा है। तो उससे पहले हम पहुँचे हैं असल के ऑफिस, और ऑफिस से उनको कुछ काम था तो उसके बाद वो गए थे अपने ऑफिस साइट पर, जहाँ पर भी उनका जो है कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। क्योंकि यहाँ पर इन्हें किसी से मिलना था और इनका ऑफिस नोएडा में है, हमें नोएडा में ही जाना था शॉपिंग करने ग्रॉसरी वगैरह की, क्योंकि घर में जितने भी ऑलमोस्ट सारे आइटम ख़त्म हो रखे हैं। और ये कोई नहीं है, ये लिफ्ट तो ये लिफ्ट इतनी ज़्यादा जो है चमक रही है। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी चीज बना ली सिर्फ इसलिए कि कहीं कहीं पर ना इतनी ज़्यादा साफ सफाई होती है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर गाड़ी नीचे हमने बेसमेंट में खड़ी करी थी, और यहाँ से इन्होंने एक भैया को लिया था जो इनके ऑफिस में काम करते हैं, तो वो साथ में गए थे। और इनके कुछ अपने काम थे क्योंकि आज इन्होंने छुट्टी जो है ली हुई थी। कटिंग सबसे ज़रूरी थी बच्चों के, दोनों के जो बाल बड़े हो गए थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इनकी कटिंग को, और अभी दोनों जब स्कूल जाने लगेंगे तो बच्चों को टाइम मिलेगा और नहीं बच्चों के डैडी को टाइम मिलेगा। यहाँ से फिर जो है हम सीधा निकले हैं बच्चों को छोड़ के, जो और इसीलिए थोड़ा कैमरा नीचे करके वीडियो बना रही हूँ, पीछे जो है भैया बैठे हैं। और ये जो नोएडा वाले हैं उनको तो यहाँ का जो है एरिया देख के पता चल गया होगा कि ये नोएडा के आसपास का ही एरिया है, मतलब नोएडा का ही है। ज़्यादा उड़े जा रहे थे और मेरे में बाल बहुत ज़्यादा बारीक है, तो बहुत जितने भी इनको ज़्यादा खोल के रखते हो ना तो ये ज़्यादा जो है ये लग जाते हैं एक दूसरे में, टैंगल हो जाते हैं। तो फिर वैसे तो हमें जाना था, मतलब दो ऑप्शन थे हमारे पास, या तो हम इंद्रपुरम आ सकते थे या फिर हम सेक्टर 18 नोएडा में जा सकते थे शॉपिंग करने के लिए। तो हम जो साइट के पास में ही डी मार्ट है तो हम वहाँ पे चले गए, और ये साइट ना वहाँ पर है गौर सिटी के आसपास है, मुझे ज़्यादा नहीं पता यहाँ के एरिया के बारे में। और फिर हम डी मार्ट पहुँच गए थे, तो हस्बैंड गए हैं गाड़ी पार्क करने और हम यहाँ पर जो है वेट कर रहे हैं। वियान और मायरा को मैं दोनों को साइड लेके खड़ी हूँ, क्योंकि मायरा ना बहुत ज़्यादा जो है चंचल है, मानती नहीं है बिल्कुल भी। और 3 बजे हम जो है निकले थे, तो मायरा ने सुबह से दूध पिया था और मायरा को अभी कुछ खाना था, तो अभी सोचा कि अंदर से कुछ ले लेंगे खा के, पैकेट हाथ में पकड़ के और उसकी बिलिंग करवा लेंगे। तो मायरा जब साथ होती है ना तो ऐसे ही होता है कि मायरा अंदर से कुछ ले लेती है, खा लेती है और उसके पैकेट पे बाद में बिल करवा लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चे दोनों बोर हो रहे थे वेट करने में, तो बच्चों को ना थोड़ा सा चिल करवाने की कोशिश कर रही थी। फिर पहुँचे अपना अंदर सामान लेने के लिए, बस यहाँ पे यही सामान था, बाकी कुछ और नहीं था, तो और यही चाहिए था हमें। तो हस्बैंड का काम होता है ट्रॉली को इधर से उधर मेरे साथ साथ लेके घूमने का, और मेरा जो ज़रूरत का सामान होता है वो मैं जो है लेके रखती रहती हूँ, और बच्चों का अलग ही चलता है अपने जो है चॉकलेट बिस्किट या जो भी बच्चों के आइटम होते हैं, बच्चों के अपने अपने अलग ही आइटम होते हैं सबके, मायरा के सबसे ज़्यादा आइटम होते हैं, तो मायरा अपने लिए अलग ही पसंद करती है। फिर मैंने यहाँ पे लिए थे ये सिरप, तो मैंने रोज सिरप लिया था, लेकिन मायरा अलग अपना बता रही थी ऑरेंज सिरप, और वियान ने बोला था कीवी का भी था, मतलब सब फ्लेवर थे यहाँ पर, तो मायरा ने ये बोला था। और हस्बैंड लगे अपने यहाँ पे कुछ गमले वगैरह पोट वगैरह चेक करने के लिए, तो मैंने इनसे पूछा कि किस यूज़ के लिए ले रहे हो,
तो इन्होंने बोला कि मैंने मतलब प्लांटिंग करने के लिए, तो उन्होंने तो नहीं लिया क्योंकि उनके यूज़ का कुछ था नहीं। फिर मैंने जो है यहाँ से चेक किया मेरे यूज़ का क्या हो सकता है, तो मैं ये बड़ा वाला बास्केट ले लेती, लेकिन इसमें नीचे छोटे छोटे टायर लगे हैं जो कि एक जगह नहीं रुकेगा, हिलता डुलता रहेगा, तो मैंने वो नहीं लिया। और इसके चक्कर में इसकी जगह पर दो छोटे छोटे मैंने जो है बास्केट ले लिए, बॉक्स टाइप, तो ये कुछ ना कुछ सामान रखने में काम आ ही जाएंगे। और बस फिर बिल करवा के अपना जो है फिर सोचते हैं हमें कहाँ पे जाना है, क्योंकि मेन काम था बच्चों की कटिंग और ये सामान शॉपिंग करना। फिर उसके बाद अगर जो है टाइम बचता है तो फिर मूवी भी देखी जाएगी, मतलब ऐसे सोच के निकले थे घर से। तो और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब एक ट्रेन जैसे बना रखी, सब ट्रॉली रख के और उसको ऊपर चढ़ा रहे थे। फिर हम जो है थोड़ा आगे गए हैं और यहाँ पे ये है परथला ब्रिज, जो कि अभी इसकी जनवरी नहीं जून में ही इसकी ओपनिंग हुई है। और अभी जाना था हमें सेक्टर 18 DLF मॉल, लेकिन हम वहाँ पे नहीं गए, या फिर इंदिरापुरम आ सकते थे हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो हम यहाँ बीच में ही लॉजिस्टिक करके कुछ मॉल है वहाँ पे आ गए। और सबसे पहले फिर मुझे तो अपना चाय कॉफ़ी की बड़ी, तो मैंने तो अपनी जो है कॉफ़ी यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ पीने के लिए, हस्बैंड गए हैं ऑर्डर करने के लिए, और मैंने अपनी कॉफ़ी ली है, बच्चों ने जूस और हस्बैंड ने लिया था लेमनेड। और इसके साथ में एक एक जो है ब्रेड के नहीं पनीर के रोल थे, तो रोल ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगे मुझे खाने में। और उसमें क्या था कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल सा था। पनीर में ना वो मस्टर्ड सॉस मिलाई हुई थी, बाकी नमक मिर्च थे और कुछ नहीं था, लेकिन जो है काफ़ी अच्छा लगा। और मैंने सोचा घर आके मैं भी एक बार जो मस्टर्ड सॉस जो है बनाने की कोशिश करूँगी, मतलब मैंने बनाई नहीं आज तक, लेकिन जो है कोशिश तो कर ही सकते हैं, अगर बन गई तो ठीक है, वरना कभी जो है दोबारा शॉपिंग करने जाएंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूँगी, मस्टर्ड सॉस ही लेके आऊँगी। तो बस यहाँ पे मेरी कॉफ़ी आ गई थी और सब ने जो है जल्दी जल्दी पी लिया, क्योंकि मेरी कॉफ़ी थी गर्म और बच्चों का जूस दोनों का ठंडा और हस्बैंड का लेमनेड वो भी ठंडा। तो जितना टाइम लगा है सिर्फ मुझे लगा है पीने में और ये खाने में, और उसके बाद जाना है हमें कटिंग कराने, क्योंकि अभी 4:30 का 5 बजे का कुछ ऐसे टाइम हो गया मुझे, कितना टाइम हुआ उतना याद नहीं है, लेकिन 4:05 के आसपास का बीच का टाइम है। तो मायरो की कटिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मायरो को पहले भी 2 बार लेके आए हैं, तो मायरा कटिंग नहीं करवाती है, तो मायरो को ना अच्छे से उसकी पसंद की चीज़ें खिला के सब दिला के, मतलब उसको जो है खुश करके लेके आए हैं, तो मायरो ने कटिंग करा ली, तो फाइनली मायरो का लुक है ना बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब मैंने देखा है ऐसे कई सारी जो हैं लड़कियां, मतलब मूवी में भी आती हैं, तो उस टाइप का कुछ मायरा का लुक आया है और मुझे इसी तरह की कटिंग चाहिए थी मायरा की। उसके बाद यहाँ पे टाइम हुआ है 6:30 के लिए, और एक मूवी जो है यहाँ पे 6 बजे से, खैर आदिपुरुष, बहुत सारी मूवी ऐसे जो है चली हुई थी, बस हमने जो है आदिपुरुष देखने का जो है सोचा। फिर यहाँ से टिकट ली है और पॉपकॉर्न यहाँ से लेके फिर चलेंगे आगे देखने के लिए मूवी, और देखते हैं कब तक का जो है मूवी का टाइम है, क्योंकि अभी खाना भी खाना है हमें। और यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग ऐसे होती है, जो रावण है वो अपना जो है वरदान मांगते कि उनको कोई भी जो है मनुष्य मार नहीं सकता, धरती आकाश जल पानी आग कुछ भी उनको जो है मार नहीं सकती। तो इस तरीके से राम की जो है
एंट्री हुई है। और उसके बाद ये सीता जी को यहाँ पे दिखाया गया है और राम जी को। और मूवी में ना बिल्कुल कोई भी डायलॉग ऐसा नहीं है जो रामायण से मिलता जुलता हो, ना कोई डायलॉग है ना कुछ है, बेवजह का VFX है। और ये लक्ष्मण रेखा है जो पूरा कवर करके इस तरीके से दिखाया गया है, और राम जी को कुछ ऐसे दिखाया गया। सीता जी के जो कपड़े हैं वो ऐसे तो कभी नहीं पहनती थी, बिल्कुल फैंसी कपड़े, वो तो ऐसी थी सीता माता जी हमारी, जो लक्ष्मण जी जे लक्ष्मण जी ने उनका जो है फेस भी नहीं देखा था, जबकि वो साथ में ही रहते थे, उनके देवर थे, लेकिन उन्होंने उनका फेस भी नहीं देखा था। तो मूवी का ना मतलब ये इसको एक बार मूवी भी बोल दो ना तो वो भी ठीक है, ऐसे लग रहा था जैसे कोई बॉलीवुड की नहीं हॉलीवुड की मूवी देख रहे हो। और बैकग्राउंड म्यूज़िक इतना ज़्यादा ना, इसमें कोई जो है डायलॉग ऐसे दिए हैं, रावण की कटिंग ऐसे है कि रावण के लिए जो है अलग ही सैलून होता है, उसमें रावण कटिंग करवाता है अपनी, तो मतलब बेवजह का जो है मजाक बनाया गया है रामायण का। तो रामायण तो ये दूर दूर तक कैसे भी नहीं लगती। और यहाँ पे जो है बेवजह का जो है रोमांस दिखाया गया है, तो बिल्कुल भी जो है टोटल टाइम वेस्ट ही था 2-3 घंटे का, और बिल्कुल भी जो है देखने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन बच्चों की जिद थी तो बैठी भी रहना पड़ा। और ऐसे भी अगर इसको बोले ना कि रामायण की कॉपी की है, ये वो भी नहीं है। और पता नहीं कि इन्होंने क्या मजाक बनाया है हमारी जो रामायण का, इससे तो अच्छा है ना अगर रामायण की जो किताब है ना उसको उठा के पढ़ ले, वो ज़्यादा अच्छा है, कुछ जो है सीखने को तो मिलेगा। और यहाँ पे ये इंटरवल का टाइम है, सब जो है अपना गए थे थोड़ा बहुत। और यहाँ पे मैंने एक जो है रील बना ली, बाकी ऐसा कुछ अच्छा एक्सपीरियंस रहा नहीं है मेरा तो। उसके बाद जो है मूवी हो जाएगी ख़त्म, फिर हम खाना खाएंगे, फिर हम सीधा जो है घर पे पहुँचेंगे। और इसके आगे मेरे जो है कोई ब्लॉग नहीं है, क्योंकि 3 बजे निकले थे और हम पहुँचते 11 बज गए थे और मेरा जो है फ़ोन एकदम डेड हो गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।